चलिए आज जो गियर अप करने जाएंगे, तो का ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए थोड़ा सा रीड करें इसको। सर ये कौन से ईयर का है? 2023 है बेटा, मई जून, रीजन 52। टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है मई जून, रीजन 52। चलिए ठीक है स्टार्ट सर। करते हैं। थ्री स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल बेंजोएट। ये मिथाइल बेंजोएट है, ये रहा। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, इसका सोडियम सॉल्ट बन गया, विच इज देन एसिडिफाइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसके अंदर HCl डाला, ये एसिड बन गया। इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या किया स्टूडेंट ने? 1.242 ग्राम लिक्विड लिया मिथाइल बेंजोएट इनटू आ 50 cm³ राउंड बॉटम फ्लास्क। इस तरह की एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर इसने डाला है 1.242 ग्राम मिथाइल बेंजोएट, बेंजोएट। इसका वॉल्यूम है 50 cm³, इसका वॉल्यूम है 50 cm³। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 100 cm³ 1 मोल एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। अब आपने एक और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ली, इसका वॉल्यूम है 100 cm³, इसका वॉल्यूम है 100 cm³, और इसमें NaOH है। और इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर डीएम। अब आपने क्या करना है, एड 10 cm³ एंड एक्सेस ऑफ द प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द राउंड बॉटम फ्लास्क। याद रखिएगा ये एक्सेस कलर्स हैं, कभी भी आपको एक्सेस कलर्स आ जाए तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसके अंदर से 10 cm³ इसमें डालना है, 10 cm³। उमर असलम क्लास में है आप? जी सर। ठीक है जी, इसमें 10 cm³ आपने डाल दिया। अब ये कह रहे हैं एड सम एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स टू द राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके अंदर आपने एंटी बम्पिंग क्या करते हैं, जो मार्बल के टुकड़े होते हैं ना वो डाल देते हैं, एंटी बम्पिंग है। एंटी बम्पिंग क्या होता है, अम्मी से पूछना, जब कड़ी बनाती है ना, कड़ी कड़ी के अंदर पंपिंग होती है, जो ऊपर निकल निकल के आना चाहता आता है कड़ी,
तो अगर उसके अंदर मार्बल के टुकड़े डाल देंगे तो वो बंपिंग नहीं होती है। पता चला गर्म करते हुए मिथाइल बेंजोएट बाहर आ गया। उसके बाद है एड सम एंटी बंपिंग सर ये ग्रेन्यूल्स टू द बम्पिंग क्या रबर। है, एंटी बम्पिंग बंपिंग ग्रैनुल्स ही क्या? अभी तो बताया मार्बल के छोटे से टुकड़े होते हैं वो डाल देते हैं ना, उससे क्या होता है कि जो भी लिक्विड होता है ना सोडियम बेंजोएट निकल के बाहर नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं क्लास डालते में ना है फिर ना क्या होते हैं? वो बाहर निकल के आ जाएगा। अच्छा अच्छा उसके बाद है कंडेंसर लगाए टू मेक अ रिफ्लक्स अपरेटस। अब आप क्या करेंगे कि इसी के अंदर कंडेंसर लगा देंगे, यानी इस तरह का कंडेंसर होगा। ठीक है, इस तरह का होगा। बताइए एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है, बताएं इनलेट नीचे से होगा ऊपर से होगा। नीचे से। हाँ शाबाश, वाटर इनलेट ये आ जाएगा और आउटलेट ऊपर आएगा। इसके अंदर मिथाइल बेंजोएट है, मिथाइल बेंजोएट। अब आप क्या करेंगे इसको रिफ्लक्स करेंगे, पानी में रिफ्लक्स कर देंगे पानी में। ये बीकर है, इसके अंदर वाटर है, हॉट वाटर, और यहाँ आपने बर्नर लगाया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है तो कुछ जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया है, बीकर लिया है, उस बीकर में ये सारा कंटेंट यहां से निकाल के आ रहा है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा एससीए डालना है, फिर आपने इसको फिल्टर करना है। इसको फिल्टर करना उसके बाद ये जो आपके पास ये फिल्टर पेपर है ये फिल्टर पेपर है, क्या आ गया फिल्टर पेपर। इसको वॉशिंग करें, इसकी वॉश करें और ड्राई करें, क्रिस्टल आ जाएंगे आपके पास। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई, पूरा प्रोसीजर समझ आ गया है। सर हम फिल्टर पेपर को वॉश करके ड्राई करेंगे। लेकिन जब फिल्टर पेपर लगा होता है ना इस इधर, मेरी बात समझिए, इधर फिल्टर पेपर लगा होता है, इसी में गर्म पानी डाल दें, इसी में गर्म पानी डाल दें तो खुद ब खुद वॉश हो जाएगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ ठीक रही है है, सर, ये तो पूरी कहानी हो गई। अब करना क्या है वो देख लें। आपसे वॉल्यूम ऑफ उसका निकालना है मिथाइल बेंजोएट का, डेंसिटी अपॉन मास होगा ना। डेंसिटी ओवर मास होगा। अरे कहाँ गए थे तुम, तो तो मैं यही हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन मास। ठीक है, डेंसिटी दी है 1.08। बताना जरा मास कितना दिया हुआ था। सर 1.242 दिया हुआ था। 1.242, 1.242।
बताना वॉल्यूम क्या आएगा। सर 1.15 देखो फॉर्मूला नहीं, ड्राइव करो ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, ये वो सही है। डायरेक्ट। तो मास कितना तुमने बोला, 1.242, 242 और डेंसिटी है इसकी 1.08, बोलो क्या आएगा। 1.15 1.15 cm³। देखो डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यूब में है ना, बोलो डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यूब में है ना, सर। अच्छा इसलिए सीएम क्यूब में डायरेक्ट आंसर आया। बताओ मिथाइल बेंजोएट वन वन स्टेप में 1.1 ग्राम डाला है, ठीक है, कैसे मेजर करोगे इसका मास, वॉल्यूम किस किस से मेजर करो, मास होगा प्यूरिट से, पिपिट होता है, पिपिट नहीं हो सकता 50 cm³ का, मेरी बात सुनो। तुम्हें सर, एक मिनट, अब 50 cm³ तो वो फ्लास्क का वो वैल्यू है ना, फ्लास्क जितना होल्ड कर सकता है, वो तो 1.242 ग्राम डाल रहे हैं ना लिक्विड का। नहीं, जो वॉल्यूम डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं 1.15, वॉल्यूम डाल रहे हैं 1.15। सही। अगर आपने आप पिपेट लिखा ना तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर का क्यूब का हाँ, देता है। दो सही हो। वो फ्रैक्शन में थोड़ी होगा, फ्रैक्शन में तो प्यूरिट हो सकता है, समझ रहे हो भाई। प्यूरिट प्यूरिट, ब्यूरेट इनएक्यूरेट नहीं हो जाएगा? लेकिन मसला ये है कि तुम्हारे पास वो नहीं है ना, प्यूरिट इनएक्यूरेट नहीं होता। जो प्यूरेट होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, एक्यूरेट होता है। अच्छा, अगर तुम वॉल्यूमेट्रिक वो ले तो पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट वो भी बेहतर है, लेकिन ये 1.15 की होगी नहीं। चलिए अगला सवाल है, कैलकुलेट द मास ऑफ एनवे नीडेड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन इन सर स्टेप ये टू। जरा वापस समझा दें कि पिपेट क्यों नहीं लिया। क्या आपके पास पिपेट 1.15 cm³ की होती है, बोले नहीं सर, इसलिए ब्यूरेट ले लिया। ठीक है सर। अच्छा अगर ये गैस होती इतने वॉल्यूम की तो आप फिर गैस सिलेंडर भी ले सकते थे। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है 100 और कंसंट्रेशन है 1 मोल पर dm³ और वॉल्यूम है 100 cm³। तो भाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसने और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है। 100 dB और कंसंट्रेशन 100 cm³ मोल्स वॉल्यूम है, लगा लें और बिल्कुल फिर वो मोल्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दें बस। सही है। कंसंट्रेशन कितना है इसका, 1 है, 1 मोल पर dm³। सर पहले तो निकालेंगे मोल, सो मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, 0.1 0.1 मोल। अब निकालना है मास, तो 40 होगा ना मार्क, मास इज तो इक्वल MR टू 40 है। मिस्टर मोल, एम आर कितना होता है, MR 40 40, जी सर, तो कितना आ जाएगा, 4 ग्राम आ जाएगा। 4.00 ग्राम। बोले बात समझ आ रही है, चलिए जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट वन एडिट द मास ऑफ कैलकुलेटेड इन A3 इनटू अ बीकर, डिस्क्राइब द स्टेप द स्टूडेंट शुड टेक टू मेक 100 cm³ ऑफ 1 मोल पर dm सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिव द नेम एंड द कैपेसिटी ऑफ एनी अपरेटस दैट शुड बी यूज्ड। भाई ये कई दफा है सॉल्यूशन मेकिंग का, कई दफा पास पेपर में आया हुआ है सॉल्यूशन मेकिंग का।
आप क्या करेंगे, आप एक बीकर लेंगे, इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना ग्राम डालेंगे, 4 ग्राम, 1 4 ग्राम, 4 ग्राम डालेंगे ना, 4 ग्राम सर। सही है। फिर इसमें डालेंगे डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, और उसको स्टीयरिंग करेंगे, और स्टीयरिंग कर देंगे। कितना पानी डालना पड़ेगा, 100 cm³ में बनाना है, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर। उसके बाद एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे 100 cm³, उसमें ये सारा का सारा ट्रांसफर कर देंगे विद वॉशिंग, यानी बीकर को धो धो के डाल देंगे। बात समझ आ रही है? फिर इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे और मेकअप कर देंगे सॉल्यूशन अप टू 100 cm³ मार्क। तो पहला पॉइंट है डिसॉल्व, फोर ग्राम ऑफ NaOH इन द बीकर यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप भाई? पोर दिस वाटर, पोर दिस वाटर, पोर दिस वाटर टू 100 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। विद रिंसिंग, विद वॉशिंग है कि विद वॉशिंग? अगर सर आप एक मिनट, वॉशिंग दोबारा कलर, स्टेप्स पे जाएंगे। एक मिनट पहले ये कंप्लीट कर लूं फिर जाता हूँ। अगर आप वॉशिंग कलर्स लिख लेंगे तो अच्छा है। वॉशिंग का मतलब है बीकर में जितनी चीजें वो उसमें डाल दिया। नंबर 3, मेकअप द सॉल्यूशन टू द 100 cm³ मार्क। आप बोले सुभाष क्या कह रहे थे? स्टेप्स पर जाए। अभी तो समझाया, दो दफा समझाया, एक बीकर लो मैं ये नहीं और बोल रहा, बीकर मैं में, ये बोल रहा हाँ हूँ कि ऊपर वाले जो स्टेप्स लिखे हैं ना उन पे जाए। एक मिनट, वो तो एक मैंने चीज एक सारे चीज बोले। समझा अरे दिए थे शुरू में यार। सर समझा नहीं, मैं एक देखनी है एक चीज थोड़ा सा और ऊपर सर। हाँ बस इधर ठीक ठीक है, होशियार है सर। आदमी में क्वेश्चन चाहिए थी तुम्हें, है ना? अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट को प्रिपेयर 0.1 मोल NaOH इंस्टेड ऑफ 1, स्टेट हाउ दिस वुड अफेक्ट द फाइनल मास ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर्म, एक्सप्लेन यूजिंग कैलकुलेशंस हाउ यू केम टू दिस कैलकुलेशन। दोनों के एमआर दिए हुए, दोनों के एमआर दिए हुए। चलिए इंस्टीट्यूट अब क्या करेंगे, पीछे जगह भी दी हुई है, तो क्या आपके पास सोडियम बेंजोएट का कितना ग्राम लिया था आपने? 1.242,
हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टेप वन, स्टेप मोल ऑफ मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन एमआर। ग्राम है 1.242 और इसका एमआर है 136। बताएं डिवाइड करके उमर असलम क्या आएगा? और असलम आपको मेरी आवाज आती है? डिवाइड करके बताएं क्या आएगा? -3 9.13 into 10^-3 मोल, ठीक है। अब आ जाइए स्टेप टू। स्टेप टू मोल ऑफ NaOH, तो मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय थाउजेंड। तो भाई कंसंट्रेशन है 0.1, वॉल्यूम कितना है 0.1 दिया था NaOH का, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1000, बोले क्या आंसर आएगा? -1 -3 मोल। स्टेप बताइए किसके मोल ज्यादा है? उन्हें किसके मोल ज्यादा है? सर उन्हें किसके मोल ज्यादा है? एनएच के ना, सॉरी मिथाइल बेंजोएट के सर। यार उमर असलम बोलोगे तो सीखोगे ना, ऐसे तो बोलोगे नहीं तो तुम सीखोगे थोड़ी। मिथाइल मिथाइल बेंजोएट के, लेकिन यहाँ कौन एक्सिस में लिखा हुआ था? NaOH, तो ये तो गलत बात हो गई ना। उसने तो कहा था कि मिथाइल बेंजोएट जो है वो सर जो रेशियो के ऊपर NaOH। दिया हुआ है, मोल रेशियो दिया हुआ है इक्वेशन में, वो एक बार हाँ दिखाएं। यार, मैं आपको पूरी खुली बात बोल रहा हूँ, सब वन टू वन का रेशियो है। इसमें लिखा है NaOH एक्सिस में, अब NaOH एक्सिस में कहाँ रहा? ठीक NaOH तो लिमिटिंग हो गया, तो सर, जी सर, यानी उसको इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे NaOH इज नो मोर
in excess. Now it is limiting reactant. Now it is limiting reactant. बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी उसने लिखा था स्टूडेंट टू प्रिपेयर कंसंट्रेशन कम करने से क्या फर्क होता है, तो बताइए स्टेट हाउ दिस वुड अफेक्ट द फाइनल मास ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर्म. बताइए बेंजोइक एसिड ज्यादा बनेगा कम बनेगा? कम बनेगा. आप बेंजोइक एसिड देखिए साफ कह रहा है वो आपसे के ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हाउ यू केम टू दिस कंक्लूजन. तो सर कम नहीं बनेगा भाई देखो ना अब लिमिटिंग रेट है 1 × 10⁻³. सही है तुमने तो एस्टर निकाला ही नहीं ना ऊपर. अभी निकाला एस्टर? हाँ ये निकाला. अगर सर और ऊपर जाए बेंजोइक एसिड पर इस तुम्हारे सब का सब तो सर सही है ना. तो फिर अगर हम मोल्स कम कर रहे हैं NaOH के तो फिर वो क्या होगा? बेंजोइक एसिड कम हो जाएगा ना. तो लिखोगे मास ऑफ बेंजोइक एसिड डिक्रीजेस. बात समझ आ रही है? जी सर. बिकॉज मिथाइल बेंजोएट स्टिल लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन. तो पूरा रिएक्ट ही नहीं होगा. बताए रिफ्लक्सिंग क्यों जरूरी है? ताकि वो जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं वो हमारे जो लिक्विड हम इसमें इस्तेमाल करें मिक्सचर के अंदर वो वॉलेटाइल है ना? नहीं जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वॉलेटाइल है CH3OH और एस्टर भी वॉलेटाइल ही होता है. तो कल तो हीटिंग करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. देखो रिफ्लक्सिंग के दो रीजन है. तो पहला रीजन है रिफ्लक्सिंग प्रोवाइड हीट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. Volatile substance like CH3OH is not evaporate from the reaction mixture. Reaction mixture. वो गया भी नहीं और रेड भी हो गया. क्या ये तो बच्चों वाली बात है? हाँ बोले. तो ये जो लास्ट जो हमने किया है इसका जो स्टेप थ्री है वो फिर से समझा दो प्लीज. कौन सा स्टेप थ्री? जी स्टेप थ्री कैलकुलेशन का. अच्छा जी जी जो लास्ट पार्ट किया. अब मेरी बात सुने. आपको चाहिए बेंजोइक एसिड ठीक है. अभी तो आपके पास ये बनेगा ना ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है 1 × 10⁻³.
इतना सारा बेंजोएट बच जाएगा तो यील्ड तो कम हो जाएगी ना आपकी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी लाफिया लाफिया लिमिटिंग रिएक्टेंट को ज्यादा लिमिटिंग हो गया 1-3। बात समझ में आ रही है? मोल इससे बनेगी इस, और असल चीज तो बेंजोइक एसिड की बेस हाइड्रोलिसिस करना है। जब ये ही कम होंगे, जब ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो गया, अब किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे? आप किससे करेंगे हाइड्रोलिसिस? चलिए अगला है, एक्सप्लेन बाय। काफी बात समझ आई है? पूरी कंप्लीटली नहीं आई मगर थोड़ा बहुत आगे। आप मुझे एक बात बताएं कि पहले ये लिमिटिंग था, ठीक है, अब ये लिमिटिंग हो गया है, तो बताइए इतना सारा बच जाएगा ना, ये जब ये बच जाएगा तो किससे बनाएंगे आप बेंजोइक एसिड? इसकी तो ये तो बच गया ना, इसकी तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रही है, जी तो प्रोडक्ट कम बनेगा। जी यही लिखा है? ठीक है, सही है। अगर मैं आपसे कहूं आपकी अम्मी ने बिरयानी बनानी थी, ठीक है, चावल ज्यादा कर लिए, कोरमा कम किया, तो क्या करेंगे? बिरयानी ज्यादा बनेगी, क्या करेंगे आप? कोरमा थोड़ा डालेंगे ना बिरयानी के चावल में? आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? जी जी सर आ रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज C3OH फ्लेमेबल है, सम केमिकल्स सब्सटेंस के लिए, सम अरे सब्सटेंसेस आर फ्लेमेबल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सम सब्सटेंसेस आर फ्लेमेबल। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द लिक्विड इन स्टेप सिक्स। कैसे करेंगे? स्टेप सिक्स सिखा दे सर। स्टेप सिक्स में क्या है? पोर द लिक्विड, पोर करना है बीकर में। तो सर एंटी भाई पंपिंग को रिड्यूस करने के लिए होगा ना फिर। नहीं, उसको हटाओगे फिर ही तो डालोगे। स्टेप सिक्स में तो जाएं। एंटी अरे अभी तो पंपिंग किया था यार, अभी तो किया था सुभाष, ये देखो। अरे तो सर जल्दी आप चले, कि आत्मा बस नीचे का रुक जाए, पढ़ने तो देंगे। अच्छा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलो हाँ ना, तो एंटी बम्पिंग वो ग्रैन्यूल्स को कम करने के लिए वो होगा ना। जी बिल्कुल, टू रिमूव एंटी बंपिंग एंड यूज। फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। चलिए अगला है, एक्सप्लेन व्हाट शुड डू टू कंफर्म दैट द मिक्सचर हैज बीन एसिडिफाइड इन स्टेप 7। कैसे कंफर्म करेंगे? इंडिकेटर इंडिकेटर डाल दें। ठीक है, तो एट एसिड बेस इंडिकेटर, एड एसिड बेस इंडिकेटर। बताएं
है फिनोफ्थलीन डालते हैं तो एसिड में कौन सा कलर शो करता है वो? उन्हें फिनोफ्थलीन पर्पल एसिड, फिनोफ्थलीन एसिड में कौन सा कलर भेजता है? ऑरेंज शायद, ऑरेंज या पिंक, सॉरी तो ब्लू नहीं होगा पिंक होगा। फिनोफ्थलीन जो कम पीएच है उसमें पिंक कलर का होता है, एड एसिड बेस इंडिकेटर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप मुझे गूगल करके बता देंगे। मेरे ख्याल में कलरलेस, कलरलेस होता है एसिड में। देख लेता हूँ। एड फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर रिएक्शन मिक्सचर, और मिथाइल ऑरेंज भी तो डाल सकते हैं। वो भी डाल सकते हैं। रिमेन कलरलेस व्हिच इंडिकेट्स। अच्छा मिथाइल ऑरेंज बताओ कौन सा कलर देगा? प्रेजेंस ऑफ एसिड। बोलो मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देगा? रेड या ऑरेंज, रेड रेड देगा ऑरेंज सर, रेड रेड देगा देगा ना। ना, एड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर तो एसिड में रेड देगा। जी सर। एक्शन मिक्सचर में एड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर रिएक्शन मिक्सचर बिकम रेड व्हिच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। आपको बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट बनाए कार्बोक्स बेंजोइक एसिड बनेगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उसने बेंजोइक एसिड का नहीं बोला, उसने कहा एसिडिफाइड हुआ नहीं हुआ। अगला सवाल है इसका है व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व एज द सोडियम बेंजोएट मिक्सचर इज एसिडिफाइड इन स्टेप 7। सोडियम बेंजोएट इज एसिडिफाइड। जरूर बन जाए। यहाँ बस उठ जाए। सही है, वो क्रिस्टलाइन वो हमें मिल जाएगा ना, ये जो बेंजोइक एसिड है उसके जो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है ना, तो हमें वो ऑब्जर्व हो रहे हैं ना उसके क्रिस्टल्स। शाबाश शाबाश शाबाश, सॉलिड फॉर्म में तो आप देखेंगे। रेसिपिलिटी पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पीपीटी ऑफ बेंजोइक एसिड व्हाइट क्रिस्टल होता है। पीपीटी ऑफ बेंजोइक एसिड सॉलिड कूल द मिक्सर बिफोर फिल्टरिंग इन स्टेप 9। पता है ठंडा क्यों किया था स्टेप 9 में? ताकि वो फिल्टर पेपर वो क्या होता है पिघल ना जाए। सॉल्यू सर ने यहाँ लिखा सॉल्युबिलिटी बेटा टूट इसकी वो होगी ना कम करने के बेंजोइक लिए, एसिड की। टूट
बिल्कुल सही कह रहे हो आप, टू डिक्रीज द सॉलिबिलिटी, करने के लिए सर? बेंजोइक एसिड की ना सॉलिबिलिटी कम होगी, जब भी तो क्रिस्टल बनेगा वो, हाँ तो टू डिक्रीज द सॉलिबिलिटी, टू डिक्रीज द सॉलिबिलिटी। बात समझ आ रही? जी सर, सर ऑफ ये एफ वाला पार्ट बेंजोइक कैसे समझाएं? यार, अगर क्रिस्टल बनेंगे वो ठंडे पानी में बनेंगे ना, वो गर्म पानी में तो सही डिजोल्व हो जाएंगे, सही बात है। हाँ इसलिए मैंने लिखा है टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। सॉलिबिलिटी क्यों नहीं बोल रहे हैं सर हम उसको? ऐसे बोलते हैं ना कि टू अलाउ द यार फॉर्मेशन ऑफ एसिड के क्रिस्टल्स। जब तुम क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है, उसको तुम वॉश करोगे गर्म पानी से, तो वो तो डिसॉल्व हो जाएगा गर्म पानी में, ठंडे पानी में अच्छा करना पड़ेगा ना, ठीक है। या यूं कह लो लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, गर्म पानी में तो वो डिसॉल्व होके चले जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब क्या करें कि आप स्टूडेंट कंफर्म हो जाएगा भाई इसमें पानी नहीं रहा? राइट, इसको हीट पहले बेंजोइक एसिड जो प्रेसिपिटेट हुआ है हीट करके ड्राई करेंगे ना उसको, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बेंजोइक एसिड ड्राई द और फिर प्रेसिपिटेट दोबारा एसिड स्प्रे करेंगे, एंड ग्रे फिर दोबारा मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे अगेन तो एंड अगेन। अंटिल कॉन्स्टेंट पास इज ऑब्टेन्ड, लास्ट स्टेप कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ बेंजोइक एसिड दैट कैन बी फॉर्म व्हेन 1.12 ग्राम ऑफ मिथाइल बेंजोएट। अच्छा, इससे कितना बनेगा? सर आगे ये तो भी तो ठीक है ना कि फिर दोबारा मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे इसका, क्योंकि उसने बोला है कि प्रोडक्ट के वाटर कंटेंट ना हो प्रोडक्ट में। अगर कह रहे हो अगर प्यूरिटी निकालनी होती है तो गर्म करके मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, साल का पेपर है, मतलब ईयर तो बताएं। ठीक क्या कह रहे हो है, साल का पेपर है, मतलब ईयर तो बताएं उस पेपर का। यार? मैं तो शुरू में बताया था 2023 का है, और ये लड़की ने पीएम बेंजोइक एसिड वेरिएंट 23 52 है शायद, इसका बेंजोइट का लिखा 136, इसका लिखा 122, इसका लिखा एक्स, इसका दिया था 1.242, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालने कितना आएगा? उमर असलम कहाँ चले गए? 1.114 1.114 ग्राम, 1.114 ग्राम। अगला स्टूडेंट थ्री प्रोड्यूसेस 0.85 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम 1.242 ग्राम ऑफ मिथाइल बेंजोएट, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, पीटी इसकी DIA, पीटी मल्टीप्लाई बाय 100। 66.43% ना 66.43% आ रहा है।
कैसे कर लिया भाई? सर ये 0.825 डिवाइड बाय 1.242 करके इनटू 100 करेंगे ना। भाई तुम सबर कर लो जरा, ये है प्रैक्टिकल इन, ठीक है, और ये है थ्योरेटिकल इन। तो प्रैक्टिकल यील्ड है 0.825, थ्योरेटिकल यील्ड है 1.114 मल्टीप्लाई में 100। देखना क्या आ रहा74.6 तेरा 1.1446 में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो थ्योरेटिकल यील्ड है ना, अभी तो बताइए। देखो आपने ये जो एमआर से निकालते हैं ना, एमआर से, वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाता है, ओ लेवल में किया था ना, और ये जो रियल में आया ये प्रैक्टिकल यील्ड है 74.06। चलो कुछ पूछना है? चलो बस ठीक है, अब कल इंशाल्लाह फिर क्लास करूंगा, ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। क्लासेस सर एक रखने तो इधर एक।